हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सुबह आती तबीयत तो वैसे भी कप खराब थी की मेरी, चाय। गाइस आ गई है। बात भी करने नहीं देते कि आ जाते हैं आ चाय लेने। जाइए चाय पीने। आ जाओ फ्रेंड, चाय पी लो। तुम जैसा काय कॉफी काय कब तो करूं? चाय होना ले। तुम जैसा साथ कॉफी करूँ, चाय करूँ ना, लेकिन कॉफी करूँ का मन विचार थी। अभी सीन सब था कि सुबह मैं थोड़ा लेट आया, तबीयत खराब थी, वीकनेस लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं सुबह से ये इलेक्ट्रोल पाउडर कम से कम 6-7 हो गए रह गए मेरे पी के, दिन भर से यही चालू। और एक पड़ी है यहाँ पे, बहुत सारे लाके रखे हैं। अभी वही सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तबीयत खराब थी, आ गया सुबह तो मैम का अपॉइंटमेंट लेके रखा था मैंने ऑलरेडी। तो उनका ये कुछ इस तरह का बिफोर है, उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डल हो गया था और उनका फ्रिजनेस ड्राइनेस की वजह से हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ था। और वो कलर करके रखा था तो कलर रिफिल करना पड़ता है। अगर आप कोई भी कलर कराते हो, जैसे कि हाईलाइट्स है या फिर बलैश है, तो वो दिन ब दिन थोड़ा सा फेड होते जाता है, तो उसको वापस रिफिल कराना पड़ता है। तो मैम ने कुछ रिफिल किया ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे उनके हेयर। तो उन्होंने सैलून को विज़िट किया, उन्होंने पूछा कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, तो हेयर एनालाइज किए उनके। तो उनको टाइम जब मिलेगा वो आते हुए सब बोला था उन्होंने। तो आज 11 बजे आने वाले थे, तो मैम को मैंने बोला मैम आप पॉसिबल हुआ तो 12 बजे आ सकते हो, तो बोला ठीक है। तो फिर मैं सुबह 11:30 तक मैं पहुंच गया था शॉप पे, और खड़े नहीं होने को हो रहा था मेरे को। तो मैं अपना इलेक्ट्रोल पाउडर पिया, उनका काम किया, तो मैम का कुछ ये बिफोर था, पूरे हेयर उनके ख़राब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। तो उनको कलर रिफिल करके दिया, कलर रिफ्लेक्ट किया थोड़ा सा, मतलब डिपॉजिटिंग किया उनको। वो बोले आपको जैसा शेड सही लगेगा वैसे करो। तो मैंने उनके स्किन टोन के हिसाब से उनको सजेस्ट किया कलर, तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने वो कलर किया। और उसके बाद उनका ये आफ्टर वाला रिजल्ट है, जो कि बिफोर बिफोर से 10 गुना अच्छा लग रहा है। कलर और बोटॉक्स ट्रीटमेंट दोनों किया उन्होंने। तो कमेंट्स में मेरे को बताना उनका रिजल्ट आपको कैसा लगा। तो उसके बीच में मेरे को कुछ टाइम मिला ही नहीं, और अब भी बजे है 7, तो मैंने बोला दिन भर तो व्लॉग बनाने टाइम मिला नहीं, शाम को बना लेता हूँ। बना लिया, देखते कुछ और बात करने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो जाते टाइम आपको बोल दूंगा। मैं आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं। डे वैसे 50 आज लग नहीं रहा है, 50 डेज से हम लोग ब्लॉग बना रहे, अच्छी बात है। अदरवाइज तो घर पे निकलने का ही टाइम हुआ था, अभी बजे कितना 8:30 हुआ है। घर पे निकलने का ही टाइम था, एक क्लीनअप के लिए और हेयर कट बियर्ड ट्रिमिंग के लिए एक क्लाइंट आया था, तो दीदी को बोला ले ले तब तक क्लीनअप। तो क्लीनअप किया और मैंने तब तक हेयर कट और बियर्ड ट्रिमिंग किया। उसको सेट करवाना था, उनके सिस्टर की शादी है 28 को, तो बोला ऐसा सेट करवा के दे जो 2 दिन तक मतलब सेट रहे प्रॉपरली एटलीस्ट। तो क्या हो जाता है कट करने के बाद 2-3 दिन बैठे ठीक से बात भी बैठते नहीं ना वैसे टाइम में, तो बोला ठीक है हो जाएगा। तो उनका हेयर कट किया। अभी अभी दीदी गई है कुछ बर्तन धोने गई है शायद से, हम बर्तन धो के आ जाएगी फिर निकल जाएंगे हम। बाय द वे चलो निकलते घर के लिए, आज का व्लॉग हम यही पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।